स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं एक स्मोक एब्जर्वर टूल आप अपने घर पर किस तरह से बना सकते हैं। जैसा कि ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैंने जो इन्वर्टर के पीछे हमारे 12 वोल्ट के फैन लगे हुए थे उनको लगाकर किस तरह से इसे बनाया है, इसी के बारे में हमारी कंप्लीट आज की वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम इसका काम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए, इसे हमने सप्लाई दे दी है, इसे 12 वोल्ट की सप्लाई से इसे ऑपरेट किया जाता है। अब देखिए, हमारा यहाँ पर ये जो केमिकल पेस्ट है जिसका काम हम सोल्डरिंग करते समय यूज में लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसे मैं रखता हूँ और ये हमारा सोल्डर आयरन है, इसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए, अब हमारा जो धुआँ जो निकलेगा, हानिकारक जो धुआँ निकलता है हमारा पेस्ट से, वो सारा धुआँ ये हमारा खींच लेगा और दूसरी तरफ आपको पास कर देगा। देखिए कितनी आसानी से हमारा ये धुआँ खींच रहा है। तो इसी का यही काम रहने वाला है। अगर हम इसके बिना सोल्डरिंग करेंगे तब हमारे आयरन से जो और पेस्ट लगने से हमारा जो धुआँ उठेगा वो हमारे आँखों पर लगता है और सांस के साथ हमारे अंदर भी चला जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, स्पेशली हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है इस पेस्ट का धुआँ। तो उसी से बचने के लिए हमने ये टूल बनाया है और इसकी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसका काम तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से काम करता है। अब इसे हम निकाल कर आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या सामान इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तब। तो यहाँ से इसके वायर को मैं हटा देता हूँ। इसको फैन को हम निकाल कर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इन्हें सेट किया है। तो इन्हें निकाल लेते हैं हम बाहर, इस तरह से हमें निकाल लेना है। देखिए, इतना सामान ही आपको इसे बनाने के लिए चाहिए। मैंने इसमें 3 फैन लगाए हुए हैं, अगर चाहें तो आप इसमें 2 भी लगा सकते हैं। एक से थोड़ा स्पीड इसका कम रहेगा क्योंकि इनका RPM थोड़ा डाउन होता है, तो इस वजह से मैंने 3 लगा दिए ताकि हमारा स्मोक बहुत ही आसानी से खींच सके। और इसका जो मार्केट में प्राइस है, 50 से 60 रुपये का 12 वोल्ट वाला फ़ैन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। कहीं भी जो भाई इन्वर्टर का काम करते हैं उनकी दुकान पर मिल जाएगा, या इलेक्ट्रिकल का सामान बेचते हैं उनकी दुकान पर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये हमारा 12 वोल्ट 0.18 एम्पियर का एक फ़ैन का रेटिंग है ये। तो देखिए, तीनों फ़ैन को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे सेट करते हैं इस बॉक्स में। इस बॉक्स में आपको इस तरह से ही सेट कर देना है, केवल इस तरह से इसे रख देना है। अब इसे प्रॉपर रखने के बाद, चलाकर चेक करने के बाद, चाहें तो आप इसे यहाँ से प्रॉपर तरीके से सेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका हमें बॉक्स में इस तरह से रखना है जैसे हमारा स्मोक इस तरफ से खींचेगा और इस और दूसरी तरफ को बाहर जाएगा, तो इस तरफ बराबर लेवल रखना है आपको। और दूसरी तरफ जिधर से हमारा आउट जाएगा धुआँ, स्मोक हमारा जिधर से आउट बाहर निकलेगा उस तरफ थोड़ा लंबा फट्टा आगे के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, ये हमारा हो चुका है सेट बॉक्स में। अब इसे हम दोबारा आपको चलाकर दिखाते हैं। इसे चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होगी और इनके कनेक्शन जो आपको रखने हैं फ़ैन के, वो सीधे सिंपल कनेक्शन रखने हैं पैरेलल में। अगर आप सीरीज में कर देंगे तब हमारा 24 वोल्ट सप्लाई की आपको, अगर 3 फ़ैन हैं तो 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 फैन हैं तब आपको 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो देखिए, फ़ैन हमारा चलने लगा। अब दोबारा मैं आपको सोल्डरिंग आयरन चलाकर इस पर दिखाता हूँ। इसे हमारा सारा धुआं खींच लेगा, देखिए कितनी आसानी से सारा धुआं खींच रहा है। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। और इसका हमारा जो एयर फ्लो रहेगा वो काफ़ी तगड़ा एयर फ्लो रहेगा। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ कूड़ा आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए, ये कूड़ा बिल्कुल भी इसके सामने नहीं टेक पा रहा है, काफ़ी हैवी इसका वैक्यूम बन रहा है। तो इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर मात्र 150 से 200 रुपये के बीच में इसे बना सकते हैं। तो आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी इससे आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।